अजीब किराए पर अभी रहते हैं, उनके थोड़ा सा मकान का विजिट कराते हैं, तो अभी उन लोगों से भी हम मिलवाते हैं। तो अभी ये देखिए माशाल्लाह से ये इनका घर है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अभी जो है ना दोपहर का टाइम है और क्या क्या कहूँ, दोपहर का टाइम है, आगे आगे जो है ना आगे नहीं आता, आगे नहीं आता। आज क्या करना है? आज जो कुछ करेंगे वो आप लोगों से शेयर है, जो कुछ है। तो आज गाय का दूध सुबह नहीं अम्मी ने निकाला था, गाय ने दिया नहीं था, निकाला था सुबह से इसने तो सिर्फ दो मर्तबा चाय पी है इस वक्त, गाय का इस मर्तबा इस टाइम तक 10 मर्तबा चाय पी लेते हैं आप। अभी आज एक दो मर्तबा पिए तो सुबह गाय ने दूध नहीं दिया था। गाय को घास पसंद नहीं है, पानी वाला घास नहीं खा रही। कितने भेड़िये बैठे हैं, देखें कितने बैठे हैं, इतने सारे। आगे ना जाओ, कहाँ जा रही हो? काट लेंगे और क्या, रियायत करेंगे। रियायत करेंगे। अभी घास पसंद आ गया, घास पसंद आ गया, तो पानी करिए। ये अब दूध पी लीजिए। ये चला था ना तेरे रोज़ में गोश्त खावा, गाय यदि मत ना कुछ सुचा खा हो गई। अभी ये समय पानी आ रहा ना हो, थोड़े तक ही लंदुआ चाचू का। आपको पता, आज दोबारा से बादल आ रहे हैं। रात हमने गिफ्ट वाली वीडियो बनाई थी, हमारी वीडियो भी डिलीट हो, पता नहीं क्या मसला हो गया था हमारी वीडियो, हम इतने ज्यादा परेशान हो गए थे। दूसरी वीडियो बनाई है, इस वजह से हमने दूसरी वीडियो बनाई कि पता चल जाए कि ये वीडियो चलती है व्यूज नहीं है, उसके भी फिर व्यूज ज्यादा, क्योंकि 12 बजे अपलोड की थी। हाँ, रात को लेट अपलोड किया इसकी, इस वजह से उसके भी व्यूज नहीं है। तो सुबह से अभी मैं गई थी इलाके में काम करने, टीके लगाने बच्चों को, अभी मैं यूं इलाके से वापस। तो किरण ने सुबह सारा काम किया है, थोड़ा सा खुद निकाला है, फिर रात को निकालेंगे। घर में खाना वगैरह कुछ किरण ने बना लिया था, सुबह का नाश्ता भी बना लिया था और खुद भी नहा हो लिया है। अभी इस वजह से तो मैंने शादी की है ना, मैं बाहर जाती हूँ ना, चलो मुझे घर की परेशानी तो नहीं होती, घर में तो ये सारा कुछ संभाल लेती है ना। तभी जब मैं ये नहीं होती थी ना, तो मैं इलाके में काम करने जाती थी और वापस आती तो सारा घर बिखरा हुआ होता था, फिर खाना बनाती थी, किचन संभालती थी, सारा कुछ करती थी। अब अगर मैं बाहर जाती, मैं घर का काम ज़्यादा नहीं करती, या गाय का घास काटती हूँ या जॉब पर जाती हूँ, तो बाकी का सारा काम किरण संभाल लेती है। तो बादल देखे आज कैसे बने हैं, दोबारा आज हम शायद कहीं जाएंगे। आपको क्या पता नहीं है, जो हमारा दरिया है ना भागलपुर वाला, उसमें मैंने देखा है, वीडियो में देखा है, फुल पानी आया हुआ है। अभी मेरी एक फ्रेंड थी, मैं इलाके में बना लो इसकी, थोड़ा सा बचा के रख दो। मेरी एक फ्रेंड है इलाके में, मैं काम कर रही थी ना, तो वो कह रही थी कि हम गए हैं उधर वो गए थे दवाई लेने भागलपुर, तो वो भाई देख के आए हैं दरिया। पिछले साल भी दरिया बहुत बड़ा नुकसान कर गए थे और इस दफा फिर पानी आ गया दरिया में। अभी कुछ मेहमान आने वाले हैं अचानक से, शायद हम कहीं जाएंगे। अगर गए फिर तो वीडियो बनाए, इस वजह से अभी हम नाम नहीं ले रहे क्योंकि हमें पता नहीं कि हम जाएं या न जाएं। अगर जाएंगे तो पता नहीं है इस बात का, जाएंगे तो फिर तो वीडियो बनाए वहीं पे बनाएंगे। अभी जो टीके लगाने वाला आया था ना, वो अभी बैठा है हमारे पास, अभी चला गया है। चला गया तो अम्मा चले गए, उधर बैठती है ना उस कमरे में, तो वहाँ पर वो बैठा था, तो मैं इधर बैठी है। गुड़िया किधर है? गुड़िया कल से परेशान है क्योंकि स्कूल जाना है ना। अस्सलाम वालेकुम। है ना, क्या नहीं है? चीनी बुढ़िया ले आओ, मेरे आप जाएगी दुकान से, जाओ बुढ़िया।
देख रही हूँ, अगर वहाँ जाना भी पड़ जाए तो कौन से कपड़े पहनूं, फिर पहन लूँगे कपड़े, इसमें तो गर्मी नहीं लगेगी, इतनी गर्मी लगेगी शायद, जो अभी न्यू कपड़े सिलाई किए हैं अभी तक पहने नहीं है। और किरण का और मेरा एक जैसा ही सूट है, पहले दिखाया था तो अभी माशाल्लाह से हम तैयार हो गए हैं और सोनिया भी आ गई है, सोनिया का अबू भी है साथ और किरण भी अभी तैयार हो रही है, क्योंकि पहले किरण नहीं जा रही थी, कहती थी कि मुझे नहीं जाना, तो फिर अचानक जब सोनिया आई ना, सोनिया ने फोर्स किया कि आप साथ हमारे चले, हम वैसे भी जा रहे हैं तो आप भी साथ चले, तो सोनिया ने उसको तैयार कर लिया है, तो अभी वो कपड़े चेंज कर रही है, तो अभी वो भी जा रही है, देखो सोनिया भी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं ये हम बाद में बताएं, अगली वीडियो में पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, इनके अबू भी जा रहे हैं, अभी पूरा पता नहीं है कहाँ तक, पता नहीं है कहाँ तक पहुँचेंगे। हाँ तो वो भी इनके अबू भी साथ जा रहे हैं, तो हम सब शहजाद अबू ये किरण मैं गुड़िया सब लोग जा रहे हैं, तो दुआ करना जिसके काम के लिए मकसद के लिए जा रहे हैं तो ठीक हो जाए, इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा। हाँ तो एक थोड़ा सा बता देते हैं, एक बहुत गरीब फैमिली है, बहुत गरीब को तो छोड़ो, लेकर एक बच्ची है बहुत ज्यादा बीमार है और उनका बहुत लाखों का इलाज होने वाला है, तो उन्होंने बहुत कोशिश किया कि हमें बोल नहीं सकते हैं, मैं बोल नहीं सकती, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास आए हैं तो आप वीडियो बना रहे हैं, उनका चैनल है तो हमारे चैनल का लिंक दें, इस वजह से हम चाह रहे हैं कि उनकी वीडियो बना लेते हैं, कि उनका कुछ चैनल चल पड़े तो कुछ उनके व्यूज हैं तो उस बच्ची का इलाज हो सके, लोधरा शहर में है तो वहीं जा रहे हैं, तो कहीं और भी जाने का प्लान है आगे, तो अगर आगे गए तो फिर वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो से आप लोगों ने जुड़े आला आप या तो जी, तो भाई भी जा रहे हैं साथ, वो कह रहा है कि मैं आपके भाग भाग ना थक गया, निकाल कर आके सोए हुए कमरे में, बाहर से बाहर भी निकलते, मैंने कहा क्यों, मैंने कहा आपकी कोई मेरी छुट्टी हुई है, इसने थोड़ा नहीं घुमाया उसे, और जहाँ जानने वाले भी है हमारे नजदीक के हैं, दूर के भी नहीं है, बहुत सारे नसीबों की बात है, वो कहते हैं ना जो नसीब में लिखा होता है मिलता तो वही है, कितने अच्छे रिश्ते सब कुछ टूट जाता है अल्लाह, और कितने बनना हो तो कहीं भी बन जाती है, अल्लाह करे कि नदीम ने फैसले भी बहुत धक्के खाए हैं, अल्लाह करे कि नदीम का इस दफा नसीब अच्छा हो, उनका घर बस जाए, तो आप सब बहन भाई ने नदीम के लिए बहुत ज्यादा दुआएं करनी है, क्योंकि नदीम के हालात आप लोगों के सामने हैं शुरू से लेकर अब तक, उनके साथ क्या क्या होता रहा है, किस तरह उसकी जबान बंद हो गई थी, क्या उनका इलाज चलता रहा, अब कितनी मुश्किल से वो ठीक हुए हैं, तो ये सारी उनकी कहानी आप लोगों के सामने है, तो आप लोगों ने ढेर सारी नदीम के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आप उनका नसीब अच्छा करे, जैसे वो खुश है अल्लाह ताला ये खुशियाँ उनको नसीब करे। मैं जो है ना जा नहीं रही थी, फिर जो है ना शहजाद ने कहा कि आप सोनिया भी कह रही थी कि आप चली जाए साथ, क्या पता किसी और जगह आगे जाए कहीं, तो हम सोच रहे हैं कि शायद आगे घूमने जाए अगर टाइम बच गया तो। चलो इधर से ना जाए, अंदर ना नहीं बैठे, दरवाजा बंद कर देंगे। अभी हम आए हैं एलुमिनियम वाले के पास विंडो के लिए, सोनिया ने बनवानी थी तो जहाँ से हमने बनवाई थी वहीं से बनवाया, तो हमने भी एक पसंद की हुई है विडो वाली, यही लगवा रही हो आप? हाँ यही लगवा रही हूँ, क्योंकि पहले हमारी ये लगी हुई है, पहले ये लगी हुई है, इसके साथ वो वाइट लगेगा, वाइट ऐसे होगा, ये बाहर वाली है, बाहर ही वाइट नहीं, वो तो सारी मर्जी है ना, इसको ब्लू करें, नहीं नहीं ये बाहर से ब्लू, बाहर से होगा, बाहर होगा, अंदर से फिर क्या फायदा, अंदर से वाइट। और शहजाद अब कहता है कि हमारे जो विंडो बच्ची है ना हम ये कलर लगवाती हैं, और हमारे पहले ये कलर लगा हुआ है, मैंने कहा कि वही कलर लगवाते जो पहले लगा हुआ है, और जिनको ये कलर पसंद है ये कहते हैं कि अब भी ऐसे लगवाते हैं, बाकी फिर ये वाला लगवा लेंगे, क्योंकि ये नाप करने आएंगे ना, तो हमारी जो बच्ची है ना हमें पता कि हम भी लगवा लेंगे। तो अभी माशाल्लाह से हम आए हुए हैं एक घर में, तो ये हमारे मेरे जानने वाले हैं,
तो किरण भी हमारे साथ है, सोनिया भी है और गुड़िया भी है। सोनिया आपने वीडियो बना ली है। सोनिया को हम यहाँ पर लेकर आए हैं क्योंकि इनका एक फैमिली चैनल है, तो हमने सोचा कि थोड़ी इनकी सपोर्ट हो जाएगी। तो जहाँ किराए के मकान में ये लोग रहते हैं, ये देखिए ये इनका मकान है। तो ये हमारे जल्ले के ही है, हमारे शहर के भी हैं और शहजाद के दोस्त भी हैं। तो यहाँ पर वो अभी बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ पर उन्होंने किराए का मकान लिया हुआ और अजीब किराए पर अभी रहते हैं। उनके थोड़ा सा मकान का विजिट कराते हैं, तो अभी उन लोगों से भी हम मिलवाते हैं। ये जो है तो अभी ये देखिए माशाल्लाह से ये इनका घर है। तो सोनिया की वीडियो में इनके घर का मुकम्मल विजिट है, तो हम ऐसे थोड़ा सा हमने सोचा कि विजिट कर लें, करा लें। और इधर सोनिया बैठी हुई है और ये जिसके घर हम आए हुए हैं, तो इनकी बेटी का भी इलाज चल रहा है, तो इस वजह से इन्होंने हमें कहा है कि इनका चैनल है। क्या नाम है आपके चैनल का, नाम बताएं? अनाया फैमिली व्लॉग। अनाया फैमिली व्लॉग। इन्होंने न्यू चैनल स्टार्ट किया हुआ है, तो इनको अभी तरीकेकार का कुछ पता नहीं है, इस वजह से इन्होंने सोनिया को साथ बिठा गया हुआ है और पूछ रही है कि कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। और इनकी बेटी का बहुत महंगा इलाज चल रहा है, तो ये देखें ये बच्ची है अनाया, ये देखें ये ना सुन सकती है और ना बोल सकती, तो इनका इलाज चल रहा है अभी, बहुत महंगा इलाज चल रहा है। इसकी वजह से इन्होंने ये चैनल बनाया है, ये कहते हैं चलो बच्ची की कुछ सपोर्ट हो जाएगी। अच्छा इन्होंने ना ये किराए पर मतलब कि घर लिया हुआ है, वो तो बताया है हमने। हाँ मैं अपनी वीडियो में मैंने बताया है कि ये घर मैं खुद मैंने मुझे पसंद आ गया है, तो मैं घर जाकर मशवरा करूँगी, मैंने खुद अपने लिए लेना है घर, तो इसलिए मैंने विजिट करवाया। माशाल्लाह इनके कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं आपके? तीन। तीन, एक बेटा और दो बेटियाँ? नहीं, दो बेटे एक बेटी। अच्छा एक ही बेटी है ना, एक ही बेटी है? जी जी अनाया एक ही है छोटी। अच्छा माशाल्लाह से अल्लाह ताला दुख की बात है, सियात दे इनकी बच्ची को, अल्लाह पाक की सियात दे, बहुत परेशानी वाली बात है। ना तो सुन सकती है ना ही बोल सकती है, पैदाइश की ऐसे ही है, तो बस इलाज तो होने तक खर्चा काफी ज्यादा होता है जी। अभी तो मेरा बेडरूम दिखा, और ये किचन है इनका, शाम में जैसे किचन होते हैं ऐसे ही है। किरण बेडरूम बात बार कह रही है, किरण बेडरूम दिखाए तो मैं किरण ने अपना बेडरूम अच्छे तरीके से सेट नहीं किया ना, इस वजह से बेडरूम माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है। बस अल्लाह ताला इनकी बच्ची को सेहत दे। ये है वैसे है किराए का इनका, ये बाथरूम है। वैसे किरण शहर में कैसे लगता है, हम ले शहर में घर किराए पे रहना है? अच्छा तो लगता है, तो फिर जब रह जाए कभी यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं कहते हैं कि हम बोर हो गए हैं अंदर बैठ बैठ कर, हम तो फिर बाहर निकलते रहते हैं ना, बाहर गांव में, गांव में इधर उधर बाहर निकल जाते हैं, घूम फिर लेते हैं, खुला खुले सहन होते हैं, खुला माहौल होता है, जहाँ पर सिर्फ बस कमरे ही कमरे होते हैं, सहन बिल्कुल नहीं होता। तो इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि आगे हमने अभी जाना है दरिया पर, तो अगले आने वाली वीडियो आप लोगों ने जरूर देखनी है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।